For English subtitle, please switch on closed caption or CC from settings. नमस्ते, वेलकम टू फूड हैशटैग लाइफ। और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ दिवाली स्पेशल किचन डीप क्लीनिंग। लेकिन शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ इस बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप इस चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किचन डीप क्लीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट टिप विल बी हैव अ क्लीन स्लेट। कोशिश कीजिए आपके काउंटर के ऊपर कुछ भी सामान ना रहे जब आप डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। टिप टू विल बी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इससे आप नहीं भूलेंगे कि कौन सा एरिया आप ऑलरेडी साफ कर चुके हैं और कौन सा करना बाकी रह गया है। टिप थ्री विल बी स्टार्ट फ्रॉम टॉप देन टू बॉटम। इससे आपको डबल साफ सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक ही दिन में सारा क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक ओल्ड बेडशीट बिछा लीजिए क्लीनिंग से पहले। इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिपेयर सम फूड बिफोर स्टार्टिंग योर क्लीनिंग। क्लीनिंग एक टीडियस काम है तो डेफिनेटली कोशिश कीजिए कुछ खाना आप आगे से बना के रखें ताकि आपको बाहर ऑर्डर करने की ज़रूरत ना पड़े। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 20 स्टेप्स ऑफ किचन डीप क्लीनिंग प्रोसेस। स्टेप वन इज क्लीन एंड सर्विस योर अप्लाइंसेस। डीप क्लीनिंग हमेशा स्टार्ट कीजिए अप्लाइंसेस से। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है चिमनी से, पानी को गर्म करके मैंने बेकिंग सोडा और थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड में इसको करीबन एक घंटा सोक कर लिया है। उसके बाद मैं नॉर्मल इसको क्लीन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना गंदा था और ये बहुत ही आराम से साफ हो गया। दिवाली इज़ द बेस्ट टाइम टू सर्विस योर अप्लाइंसेस और इस टाइम पे आपको बहुत अच्छे अच्छे डील्स भी मिल जाते हैं इसके ऊपर। माइक्रोवेव को साफ करने के लिए मैंने 1 part वाटर में 1 part विनेगर मिक्स करके उसको स्टीम क्लीनिंग के लिए लगा दिया है। मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा और विनेगर का एक पेस्ट बना लिया है। क्योंकि माइक्रोवेव में हम खाना बनाते हैं तो इसमें मैं कोई केमिकल का यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। बस इस पेस्ट को आप 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से लगा के रख दीजिए और ये बड़े आराम से साफ हो जाता है। और क्योंकि ये डीप क्लीनिंग है तो इस तरह के कॉर्नर्स को बिल्कुल ना भूलें। एक टूथब्रश के हेल्प से आप इस तरह के कॉर्नर्स को आराम से क्लीन कर सकते हैं। जो भी अप्लायंसेस आप खाना रखने के लिए या बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे फ्रिज, टोस्टर, ग्रिलर, इन सबको आप कोशिश करें नेचुरल क्लीनर मतलब विनेगर और बेकिंग सोडा से क्लीन करने की। स्टेप टू इज क्लीनिंग रैक्स एंड कैबिनेट्स। डीप क्लीनिंग करने के लिए पूरा शेल्फ खाली करना बहुत ज़रूरी है और मैंने इसमें यूज़ किया है ये DIY किचन क्लीनर। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। डीप क्लीनिंग करते वक्त मैं कैबिनेट के ऊपर और साइड को ज़रूर अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। स्टेप थ्री इज़ लाइनिंग योर कैबिनेट शेल्फ्स। कैबिनेट को अच्छे से क्लीन करने के बाद सारे शेल्फ लाइनर्स को चेंज कर दीजिए। स्टेप फोर वॉश कंटेनर्स एंड बास्केट। हर महीने ग्रॉसरी ख़त्म होने के बाद मैं कंटेनर्स को धो लेती हूँ। इससे मेरा एक काम डीप क्लीनिंग के टाइम पे बच जाता है। स्टेप फाइव रीऑर्गेनाइज और रीअरेंज योर शेल्फ्स। डीप क्लीनिंग के बाद अपने शेल्फ्स को रीएसेस और रीऑर्गेनाइज करना बिल्कुल ना भूलें। स्टेप सिक्स क्लीन कैबिनेट डोर्स इनसाइड एंड आउटसाइड। इस तरह के कॉर्नर्स में काफ़ी धूल जम जाता है जो हमें याद भी नहीं रहता है क्लीन करना, तो उसको ज़रूर क्लीन कर लें। और आपके किचन कैबिनेट्स में अगर ऑयल स्टेन्स है तो एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ या स्क्रबर में थोड़ा सा सिफ ले लीजिए और उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, वो आराम से हट जाता है। स्टेप सेवन क्लीन टॉप ऑफ द कैबिनेट्स। कैबिनेट के ऊपर वाले हिस्से को साफ करने के बाद उसमें न्यूज़पेपर बिछा लीजिए तो नेक्स्ट टाइम आपका काम बहुत कम हो जाएगा। स्टेप एट डू नॉट फॉरगेट टू पर्ज अननेसेसरी आइटम्स। दिवाली के सफाई करते वक्त ना तो सिर्फ किचन का बल्कि बाकी घर का भी आप सारा अननेसेसरी जो भी सामान है उसको ज़रूर निकाल दें। स्टेप नाइन मूव अप्लायंसेस एंड क्लीन। स्पेशली फ्रिज, माइक्रोवेव, इनको हटा के ज़रूर सफाई कर ले, इसके नीचे बहुत ज़्यादा डस्ट कलेक्ट हो जाता है। सो दिस पार्ट ऑफ द किचन इज डन। स्टेप 10
क्लीन बॉटम पार्ट ऑफ ड्रॉर्स। कैबिनेट के नीचे वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा धूल मैल इकट्ठा हो जाता है, तो बिना भूले इस हिस्से का सफाई ज़रूर कर लें। स्टेप 11, क्लीन अंडर कैबिनेट शेल्व्स। कैबिनेट के अंदर साफ करने के साथ साथ कैबिनेट के नीचे वाले हिस्से को भी साफ करना ना भूलें। स्टेप 12, क्लीन स्विच बोर्ड्स एंड वायर्स। स्विच बोर्ड्स को क्लीन करने के लिए भी मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया है। स्क्रबर में थोड़ा सा सिफ ले लिया है और डायरेक्टली उसको क्लीन कर लिया है। आप वायर्स को क्लीन करने के बाद डायरेक्टली उसको प्लग में मत लगाइए, उसको पहले सूखने दीजिए, उसके बाद ही उसको प्लग में लगाइए। स्टेप 13, क्लीन किचन टाइल्स एंड फिक्स्चर्स। किचन डीप क्लीनिंग करते वक्त किचन के टाइल्स से हार्ड वाटर स्टेन्स को निकालना और फिक्स्चर्स को साफ करना मत भूलिए। इसको कैसे साफ करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को चेक करना ना भूलें। स्टेप 14, क्लीन विंडोज एंड ग्रिल्स। ग्रिल्स को क्लीन करने के लिए मैंने सेम किचन क्लीनर का यूज़ किया है और ग्लास को क्लीन करने के लिए न्यूज़पेपर और ग्लास क्लीनर का यूज़ किया है। स्टेप 15, डीप क्लीन वाटर प्यूरीफायर्स। वाटर प्यूरीफायर्स का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम अक्सर भूल जाते हैं क्लीन करना, और ये जो नुक्स एंड क्रैनीज है इसको भी टाइम टाइम पे हमें क्लीन कर लेना चाहिए। तो डीप क्लीनिंग करते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। स्टेप 16, क्लीन किचन लाइट्स। किचन लाइट्स को साफ करते वक्त सावधानी बरतें या फिर किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के इसकी सर्विसिंग करा लें। स्टेप 17, क्लीन किचन फैन। स्टेप 18, क्लीन अंडर गैस स्टोव। गैस स्टोव के नीचे वाले हिस्से का सफाई करना हम अक्सर भूल जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैल जम जाता है। मैंने नीचे एक ओल्ड टाल बिछा लिया है क्योंकि मेरा जो गैस स्टोव है वो ग्लास का है सफाई के टाइम पे, ताकि उसमें कोई स्क्रैचेस ना आए। और मैं यहाँ पे DIY किचन क्लीनर से स्प्रे कर रही हूँ और इसके ऊपर बेकिंग सोडा लगा के इसको थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ। उम्मीद है गैस बर्नर्स को कैसे साफ़ करना है इसकी वीडियो आपने मेरे चैनल पे ज़रूर देखा होगा। करीबन 10-15 मिनट बाद आप एक ब्रश ले लीजिए और इसके हर एक कॉर्नर्स को साफ़ करना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे इसमें जो भी सेडिमेंटेशन है वो आराम से निकल आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा गैस का डीप क्लीनिंग भी हो गया। स्टेप 19, डीप क्लीन किचन सिंक। डीप क्लीनिंग के लिए और किचन सिंक को अनक्लॉग करने के लिए मैं यहाँ पे केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ कर रही हूँ। इसको यूज़ करने से पहले एक बार इसके पीछे दिए गए इन्फॉर्मेशन ज़रूर चेक कर लें। नाउ फाइनली वी आर इन द लास्ट स्टेप। स्टेप नंबर 20 इज़ वॉश किचन फ्लोर। उम्मीद है मैंने सारे जोन ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अगर कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। तो देर किस बात की है, दिवाली के लिए किचन क्लीनिंग जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए एक साफ़ सुथरे घर से हैप्पी दिवाली की शुरुआत करते हैं। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।